दिवाली से पहले महंगाई का झटका, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी। दिवाली से पहले किचन का बजट एक बार फिर से बिगड़ सकता है। तेल कंपनियों ने सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार 1 नवंबर से देशभर में सब्सिडी वाले सिलेंडर के साथ बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इसके अलावा 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया है। की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 नवंबर से दिल्ली में 14.2 किलो के सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 2.94 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़कर 505.34 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गई हैं। इसी तरह कोलकाता में सिलेंडर का दाम 505.64 रुपये से बढ़कर 508.70 रुपये, मुंबई में 500.11 रुपये से बढ़कर 503.11 रुपये और चेन्नई में 490.83 रुपये से बढ़कर 493.87 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में तो और भी बढ़ोतरी हुई है और देश के चारों महानगरों में इसका दाम 900 रुपये के पार हो गया है। दिल्ली में 14.2 किलो वाला बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 60 रुपये बढ़कर 939 रुपये का हो गया है। इसी तरह कोलकाता में इसका दाम 907 रुपये से बढ़कर 969.5 रुपये, मुंबई में 851 रुपये से बढ़कर 912 रुपये और चेन्नई में 896 रुपये से बढ़कर 958 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है।